नमस्कार दोस्तों, मैं वीके पांडे जीके राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी को पहले प्रश्न दिखा दिया जाए, तो दिख लीजिए ये सारे प्रश्न आज हम लोग हल करने वाले हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके प्रश्न है जिसमें आज शिक्षण विधियों से अधिगम से कुछ प्रश्न रखे जाएंगे, कुछ प्रश्न आपके साहित्य से होंगे और आपको बहुत आनंद लेने वाले हैं आप इन प्रश्नों का, क्योंकि बहुत मजा आएगा इन प्रश्नों को करके। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो कि लगातार परीक्षा में रिपीट हुए हैं, तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर यह रहा पहला प्रश्न। चलिए दोस्तों देखिए, यह है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, और ये सही भी बात है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता भी है। चार विकल्प हैं, आपसे पूछ रहे हैं विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है, राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, बताइए। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है, बताएं। और विशेषण तो है ही, कैसा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न को पूरा कर लीजिए, कैसा? सार्वनामिक विशेषण। अब उत्तर दीजिए। अब प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया बना है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्न में किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है, चार विकल्प है, फटाफट उत्तर दीजिए और अपनी संख्या में वृद्धि करते रहिए। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए दोस्तों, तभी तो मजा आएगा जब आपकी संख्या 100 के ऊपर हो चाहिए। देखिए संख्या कम से कम तो 100 होनी ही चाहिए ताकि मुझे भी लगे कि छात्र हमारे उत्सुक रहते हैं पढ़ने के लिए। देखिए कह रहे हैं मेरी गाय काली है, लेकिन पहले मैं आपको कुछ नोट कराना चाहूंगा, वो चीज बहुत ध्यान से सुनिए और उत्तर देते रहिए। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ऐसे सार्वनामिक संज्ञा यानी ऐसी सार्वनामिक विशेषण, ऐसे विशेषण होते हैं जो संज्ञा के पूर्व आ करके क्या करते हैं, संज्ञा के पूर्व आ करके विशेषण का कार्य करते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम आकर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब उत्तर देखिए, मेरी गाय काली है, गाय तो संज्ञा है लेकिन गाय के पहले क्या लग गया, एक स्पेसिफिक वर्ड लग गया मेरी, यानी अपनत्व की भावना की बात आ गई, यानी गाय किसकी, मेरी, तो वहां पर मेरापन आ गया, यानी तुम्हारी, अगर ऐसा कहते तो तुम्हारी गाय काली है तभी यह सार्वनामिक विशेषण होता, तेरी गाय काली है तब भी, मेरी गाय काली है तब भी, यह सार्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयोग हो रहा है। तो बहुत ध्यान से कॉपी में नोट कर लें, सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आकर विशेषण का कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक प्रश्न और, वह आदमी मेरा शत्रु है, जैसे मैंने यहीं पर कह दिया होता वह आदमी मेरा शत्रु है, वह आदमी मेरा शत्रु है, अब बताइए इसमें सार्वनामिक विशेषण है कि नहीं है, है कि नहीं, बताइए। अभी है, क्यों है? क्योंकि आदमी को स्पेसिफिक कौन कर रहा है, वह, वही,
वह आदमी, वही आदमी, यह वही किताब है जो मैंने कल बाजार से खरीदी थी। यानी किताब को स्पेसिफिक करने का काम कौन कर रहा है? वही किताब। तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण आ जाता है। चलिए हम ऐसे ही प्रश्न आपको करवाते रहेंगे और आपको बहुत नई नई चीजें सिखाते रहेंगे। बस आपकी संख्या 100 के ऊपर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि संख्या यदि 100 से कम होगी मेरे भाई तो मजा नहीं आएगा। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय, ध्यान दीजिएगा, कक्षा अभिनय प्रणाली का प्रयोग से क्या होता है? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। कक्षा अभिनय प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? शिक्षक और बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली का प्रयोग होता है, बताए। मैं आप सबका आंसर देख रहा हूं, लगातार मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, इसलिए बातचीत करने की कोशिश ना करें, केवल उत्तर दें बहुत ईमानदारी से। चलिए, और अपनी संख्या 100 के ऊपर पहुंचाते रहिए मेरे भाई, लगातार वीडियो शेयर करते रहिए अपने सभी दोस्तों को। बहुत अच्छे मेरे भाई। क्या बात है, चलिए देखिए क्या होता है। पात्रता अनुसार सही उत्तर क्या है? मेरे बहुत सारे भाइयों ने सही उत्तर दिया, मैं देखा था। पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में बल्कि तेजी आ जाती है। यदि मान लीजिए हम कक्षा में क्या कर रहे हैं, नाटक शिक्षण कर रहे हैं, कोई नाटक है और उसका हमने कक्षा अभिनय कर दिया, मंचन कर दिया, तो क्या कर देंगे? पात्रानुसार, जैसे पात्र यदि शक्तिमान है तो आपके अंदर भी उसी के अनुसार जागृत भावना उपस्थित हो जाएगी, इसलिए वहां से सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 3 मेरे भाई, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, बताइए। निम्न शब्द में अधिकरण कारक क्या करता है? अधिकरण कारक क्या करता है? बताया था मैंने कई बार, इस पर तो प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर प्रश्न नहीं आया तो समझ लीजिए कि आप जो है बीएसटीसी या रीट की परीक्षा दे ही नहीं रहे थे, इसलिए यहां से प्रश्न आना ही आना है। वाहनारूण, गंगा जल, सत्ताधीश, रेखाचित्र, मैं चारों विकल्पों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। कितनी? 8। जब अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में क्या आता है मेरे भाई? अधिकरण में क्या आता है? में, पर। आप सब जानते हैं अधिकरण में क्या आता है? में, पे, पर। पर मतलब के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, वाहनारूण, वाहन पर आरूण, क्या बन गया? वाहनारूण, वाहन पर आरूण, मैं भाई क्या बन जाएगा? वाहन पर आरूण। तो अधिकरण में क्या आया? में, पर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? वाहनारूण, गंगा का जल बन जाएगा यहां से, गंगा का जल, गंगा जल। तो यहां पर क्या हो गया? क्या दिखाया गया है? संबंध दिखाया गया है। का के की रारे मा मे मी, गंगा जल में क्या है? संबंध कारक है। रेखा चित्र, रेखा का चित्र, रेखा के लिए चित्र। और यहां पे सत्ताधीश, सत्ता पर धीश, यानी सत्ता पर आरूण, ठीक है, सत्ता पर आरूण। चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न सत्ताधीश, उसके बाद देखिए किस रस को रसराज कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में कईयों बार, 5 से 6 बार लगातार रिपीट किया गया होगा। मैंने भी आपको कई बार बताया है कि रसराज किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में रसों की जो संख्या है वो लगभग 9 मानी जाती है, और सबसे पहली बार तैतरीय उपनिषद में, ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की चीजें जो पुस्तक में नहीं मिलेगी, मैं दावा करता हूं जाकर के इंटरनेट की दुनिया में भी आप खंगाल करके देख लेना, कहीं नहीं पता चलेगा कि रस के विषय में पहला उल्लेख कहां मिलता है।
मेरा प्रश्न है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, विद्वानों से पूछिएगा, आप इंटरनेट की दुनिया में पलटिएगा, रस शब्द का पहला प्रयोग कहां मिलता है? रस शब्द का पहला प्रयोग तैतरीय उपनिषद में मिलता है मेरे भाई। कहां मिलता है? तैतरीय उपनिषद में। लेकिन यहां पर जो रस शब्द का प्रयोग मिलता है उसका अर्थ जो है भावों से ना होकर के क्या होता है, स्वाद से लिया जाता है। तो यहां पर जो रस शब्द था उसका अर्थ लिया गया किससे? स्वाद से। किससे लिया गया? स्वाद के अर्थ में प्रयोग किया गया। तो तैतरीय उपनिषद में सबसे पहले रस के बारे में बताया गया। उपनिषद में जो रस का प्रयोग किया गया था वो स्वाद के अर्थों में किया गया था। लेकिन हम काव्य के लिए प्रयोग करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, अनुभूति के लिए करते हैं। और सबसे पहली बार रसों की संख्या या रसों के विषय में सबसे पहली बार किसने बताया? तो नाट्य शास्त्र में इसके विषय में सबसे पहले पता चलता है। किससे? नाट्य शास्त्र में सबसे पहले इसके बारे में पता चलता है। नाट्य शास्त्र में इसकी संख्या 8 बताई जाती है। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने, यानी सबसे पहले आचार्य जिन्होंने रसों के विषय में बताया वो थे भरत मुनि। पहले आचार्य जिन्होंने रसों के विषय में बताया वो थे भरत मुनि। और इन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताया है, क्योंकि नाट्य शास्त्र में इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। किसको रस नहीं माना? शांत रस को, क्योंकि शांति को कोई रस नहीं माना जाता। तो शांत रस को कोई रस नहीं माना। रसराज किसको कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है। ये रसों का राजा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा है कि रसों का राजा कौन है, तो श्रृंगार रस को हम रसों का राजा भी कहते हैं मेरे भाई, रसों का राजा भी कहते हैं। उम्मीद है इन सारे प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे, इसकी व्याख्या को समझ रहे होंगे। देखिए, हम केवल एक प्रश्न कराने के लिए नहीं आते हैं, हम तो पूरी व्याख्या करने के लिए आते हैं। प्रश्न तो आपके पास भी है, किताबें आपके पास भी हैं, लेकिन हम जब आते हैं तो उसकी पूरी व्याख्या लेकर आते हैं, ताकि आपको ये समझा पाएं, बता पाएं कि मेरे भाई देखिए कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। अब देखिए, रस से संबंधित ऐसी ऐसी चीजें मैंने आपको बता दिया जो पुस्तकों में भी आपको खोजने पर ना मिले। देखें प्रश्न संख्या 5, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? साहित्य का प्रश्न है। देखिए, आप चाहे लेवल 1 की परीक्षा दें, चाहे लेवल 2 की परीक्षा दें, हम आपको पूरी तरह से तैयार कर देंगे मेरे भाई। आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या भारतेंदु काल के, बताइए घनानंद किस युग के कवि हैं? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है बताएं? हम आप सभी के उत्तर देख रहे हैं, लगातार मैं आप लोगों के उत्तरों को देख रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल भी शर्माइए मत, एकदम जबरदस्त उत्तर देने की कोशिश करिए। बस जल्दी जल्दी उत्तर देना है आपको, आपका काम उत्तर देना है बस। बहुत अच्छे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीत, देखिए बहुत बदले बदले से उत्तर आ रहे हैं। घनानंद जो है वो रीतिकाल के कवि कहे जाते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम पत्रिका, प्रेम पद्धति, प्रेम सरोवर, इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं इनकी, वो मैं आपको बता दूं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रेम पत्रिका, प्रेम पत्रिका, और क्या मेरे भाई? प्रेम पत्रिका, यमुना, यमुना यज्ञ, ये सब परीक्षा में पूछे हुए, लगातार पूछे हुए प्रश्न ही मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं उन्हीं को मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, इश्क लता, प्रेम पद्धति, इश्क लता भी ले लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इश्क लता, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रेम पत्रिका, यमुना यज्ञ, प्रेम पत्रिका, उसके बाद प्रेम पद्धति बहुत ज्यादा पूछा गया, प्रेम पद्धति, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जिसमें भी प्रेम लगा हो समझ जाइए कि वो किसका है, घनानंद जी का है। और घोर प्रेम का, यानी घोर श्रृंगार के कवि हैं, सामान्य श्रृंगार नहीं लिखते हैं, बहुत तगड़ा श्रृंगार लिखने का श्रेय इनके नाम पर जाता है।
और किस काल के कवि हैं, तो आपको मैंने बता दिया रीति काल के कवि हैं। विकल्प सी बिल्कुल सही है, विकल्प सी को आप बिल्कुल सही मान सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न बहुत जल्दी देखिए, शुद्ध वर्तनी से प्रश्न पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? शुद्ध वर्तनी से पूछा हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद। चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को करने के लिए हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला, और वर्णमाला में ही हम आपको वर्ण रचनात्मकता का ज्ञान इस तरह से करवाएंगे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होने ही नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, अगर किसी तरह की समस्या नहीं चाहते हैं तो उत्तर देते जाइए और देखिए आपको किस तरह से सारी चीजें हम समझाते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस के अलावा क्लासेस भी दूं, कक्षाएं भी दूं, तो अपनी संख्या में वृद्धि करिए लगातार। और आज के वीडियो पर मैं आपको टारगेट देता हूं 2000 व्यूज, कम से कम 2K व्यूज होने चाहिए और कम से कम 500 लाइक होने चाहिए। अगर आपने इतना कर दिया तो हमारी कक्षाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करते जाइए। और देखिए आपके आज के वीडियो में, ये लाइव होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्यूज की बात कर रहा हूं, बहुत ही छोटा आपको टारगेट दिया है, तो हम आपको कम से कम वर्णमाला तो जरूर पढ़ा देंगे। और वर्णमाला मात्र आप अगर एक बार हमसे पढ़ लेंगे तो मैं दावा करता हूं कि कई सारे अध्यायों को आप हल कर ले जाएंगे। यहां पर जो सही उत्तर है वो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी सी बता रहे हैं, जो कि सही भी है, बहुत अच्छा, लगातार उत्तर आ रहे हैं। आशीर्वाद, अब देखिए ये जो रा है ये अगले वर्ण पर चढ़ जाता है और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है को से किस प्रकार लिखे यहां पे, को से किस प्रकार चिन्ह कारक चिन्ह का, देखिए कारक है ये, किस कारक चिन्ह का बोध होता है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, क्रियानकत्वम कारकत्वम। आपको संस्कृत वाले आचार्य ने पढ़ाया होगा क्रियानकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया को क्रियान्वित करने वाले कारकों को हम क्या कहते हैं, कर्तव्यों को कारक की संज्ञा दी जाती है, और इनकी संज्ञा हमारे यहाँ कितनी 8 बताई जाती है। हमने बताया कि संख्या 8 बताई जाती है हिंदी भाषा में और संस्कृत में 6। कर्ता ने कर्म को, तो क्या आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो को किसके लिए आता है मेरे भाई, आपने देख लिया। उत्तर भी मैंने तुरंत बता दिया क्योंकि बड़ा आसान सा प्रश्न था, रिपीटेड है, मैंने खुद भी कई बार करवाया है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा समय ना जाया करते हुए आप सीधा सीधा उत्तर दे दिया, ताकि आप प्रश्न तो करें लेकिन उन प्रश्नों पर चलें जो महत्वपूर्ण है और कठिन भी है, महत्वपूर्ण या भी बहुत ज्यादा लेकिन कठिन नहीं है क्योंकि कई बार मैंने करवाया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सच्चिदानंद हीरानंद वाचायन का उपनाम, जो कि मैंने आपसे पूछा भी था एक बार लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं दिया था, तो बताइए सच्चिदानंद हीरानंद वाचायन का उपनाम क्या है, उपनाम देखिए जिसको कहते हैं पेट नेम, ठीक है। चलिए हरिओद, निराला, आगे गुलेरी, गुलेरी जी का पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद जो है वो अज्ञे जी के पिताजी का नाम था, हीरानंद इनका ही नाम था, वात्स्यायन इनका गोत्र है और उपनाम था अज्ञे। अब आप देखिए बड़ी मजेदार कथा आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, अज्ञे जी जेल में थे उस टाइम पे, अज्ञे जी को ना साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, साइंटिस्ट के नाम से, ये भगत सिंह के साथ जो है ना बम बनाने का काम किया करते थे और बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, बड़ा विज्ञान का भी बड़ा अच्छा ज्ञान था इनको, और वत्स गोत्र के ब्राह्मण हुआ करते थे। चूंकि ये जेल थे तो उसी समय इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कृति शेखर एक जीवनी 2 भागों में निकाला, और शेखर एक जीवनी मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी विद्यार्थी हिंदी पट्टी से हैं वो तो जरूर पढ़ें, बहुत उम्दा उपन्यास लिखा और अपने जीवन काल को अमर कर दिया। कई लोग कहते हैं कि शेखर उनके जीवन में वो स्वयं रहे हैं, हालांकि मैं आपको यहां पर इनके अज्ञे ना पढ़ने की कथा सुनाता हूं। जेल में रह करके भी ये अपने लेखन कार्य करते रहते थे, तो ये इसको प्रेमचंद जी के पास भेजा करते थे, तो एक बार प्रेमचंद जी के यहां ही
जो है महादेवी वर्मा, प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, ये सभी लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे साहित्य के लिए और पत्र पत्रिकाओं के, जो कि अंग्रेजों पर लिखे जाने वाले कुछ ऐसी पत्र पत्रिका जो हमारे देश में उस समय नवाचार प्रारंभ कर सके। तो जब इनकी इनकी लिखनी आई वहां पर, तो उन्होंने प्रेमचंद जी ने पढ़ के सबको सुनाया और सबने सुन करके बहुत ही तालियां पीटी और हतप्रभ हो गए, इतना अच्छा लेख लिखता कौन है, क्या नाम क्या है उसका। तो जब वो लिख करके देते थे, कहते ना अज्ञात के नाम से लिख करके भेजते थे, अपना नाम नहीं लिखते थे उसमें, लिख देते थे नीचे अज्ञात। हाँ, तो जब अज्ञात लिख करके भेजते थे तो वहीं पर प्रेमचंद जी ने इनका एक नया नाम दिया और जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे पहले ये बात उनको सुझाई प्रेमचंद जी को कि इनका नाम अज्ञे क्यों ना रख दिया जाए, अज्ञात क्यों रखते हैं, इनका नाम रख देते हैं अज्ञे, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञे, ठीक है। तो वहीं पर प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी ने मिलकर के इनका नाम रख दिया अज्ञे। तो इनका पूरा नाम पड़ गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। उपाध्याय, देखिए ये उपाध्याय हरिओत और निराला जी को तो आप लोग बचपन पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जानते ही हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है, देखिए पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद से परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न, न्यूनतम 3 प्रश्न आप अपनी परीक्षा में लेकर जाएंगे, ये निश्चित तौर पर जान लीजिए। पेपर आउट का देते हैं, आपको बता देते हैं क्या क्या। पहला, विसर्ग संधि से 1 प्रश्न। विसर्ग की पहचान केवल इतनी होती है कि इसमें विसर्ग आता है पहले वर्ण के तौर पर। दीर्घ का 1 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है, या तो यण का या तो गुण का, इन तीनों में से 1 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। और 1 प्रश्न आपका व्यंजन संधि से रहेगा, जैसे श और छ वाले जो होते हैं वो वाला नियम सर्वाधिक पूछा जाता है। तो यहां पर भी 4 विकल्प है, पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म। बताइए 4 विकल्प है आपके स्क्रीन पर, उत्तर है और विकल्प है, आप उत्तर दें, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तरों का। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है, और यह भी बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि है। बताएं, मैं बता देता हूं, विकल्प ए बिल्कुल सही है, इसमें विसर्ग संधि है। हमारे बहुत सारे छात्रों का उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर पुनः धन जन्म हमारा विकल्प सही है, विकल्प ए, नोट कर ले कॉपी में, विकल्प ए विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 10, शोक किस रस का स्थाई भाव है। शोक किस रस का स्थाई भाव है, शांत का, करुण का, हास्य का, वीर का। बताइए 4 विकल्प हैं, शांत का, करुण का, हास्य का, वीर का। बताइए भाई 4 विकल्प हैं। और मैं चारों विकल्पों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आप बताइए शोक किस रस का स्थाई भाव है। सबसे ज्यादा जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है वो है शांत रस का स्थाई भाव निवृत्ति या निर्वैद होता है, निवृत्ति या निर्वैद, जो कि परीक्षा में सर्वाधिक पूछा गया है। हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है, हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है। वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है। शोक रस का स्थाई भाव करुण होता है, जो कि आपके विकल्प के तौर पर है और यही सही उत्तर है। उम्मीद है आप चारों विकल्पों को समझ लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है आपके सामने। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, बताएं दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। मैं जब छंद पढ़ाऊंगा तो आपको मात्रा लेखन बढ़ाऊंगा, इसमें दो ही प्रकार की मात्राएं होती हैं, या तो गुरु यानी लघु जिसको बोलते हैं, एक लघु और दूसरा गुरु, लघु यानी एक, गुरु यानी दो। तो जो छोटी मात्राएं होती हैं यानी ह्रस्व, उन्हें हम लघु कहते हैं,
जो दीर्घ मात्राएं होती हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं, लेकिन और बहुत से नियम लागू होते हैं तभी हम इसे काउंट कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, छंद में गणों की संख्या 8 होती है। कितनी? गणों की संख्या 8 होती है। कैसे निकालेंगे? यमाता राजभान सलगा, ये जो है आप यहां से निकाल सकते हैं, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण लगण गगण, ये आपके सारे गण हैं। कितने? 8 गण होते हैं कुल। यमाता राजभान सलगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल 8 हो गए। इन 8 गणों की संख्या जो है आपको याद रहनी चाहिए और गण भी आपको याद होनी चाहिए। अब दोहा की बात कर रहे हैं कि दोहा में कितनी मात्राएं होती है, तो दोहा में 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, सम चरण पर 11 11, विषम चरण पर 13 13। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जो हमारा उत्तर सही है वो 24, लगातार हमारे विद्यार्थियों का उत्तर आ रहा था, बहुत अच्छी बात है, 24 उत्तर बिल्कुल सही है। आइए अगले विकल्प की ओर चलते हैं। बहुत जल्दी अभी प्रश्नों को कर रहे हैं ताकि आपका समय ना जाया हो, आप थोड़ी ही देर में अधिक से अधिक प्रश्नों को कर पाए। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए कौन शब्द सही है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, क्लीन, समृद्ध, धनी या कृपण, 4 विकल्प है। उत्तर दीजिए मेरे भाई जल्दी से। बताइए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? कुलीन। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। लगातार हमारे विद्यार्थियों का उत्तर आ रहा है, कुलीन कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। अगला, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग, लिंगों से 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। दाता का दाती, दात्र, दात्री, धात्री, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब बताइए तीनों में कौन होगा? दाता का दाती, दात्र, दात्री, बी विकल्प भी बिल्कुल नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत री की मात्रा से परिचित हैं वो समझ गए होंगे, विकल्प ए या सी में से ही एक सही है। तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का उत्तर आने ही लग गया है, लगातार उत्तर आ रहा है, विकल्प सी सही है, दात्री, दादा, दात्री। ठीक है, दाता का क्या हो जाएगा? दात्री। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न नंबर 14, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म कारक, अधिकरण कारक, बताएं। 4 विकल्प है, अपादान, संप्रदान, कर्म, अधिकरण। कारकों से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, मैंने आपको सचेत कर भी दिया है। अब आपको जल्दी से उत्तर देना है ताकि आपका उत्तर मैं देख पाऊं। चलिए मैं बताता हूं, लड़का पेड़ से गिरा, सबसे पहले देखिए कारक के साथ लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। तो कारक के साथ लगने वाले चिन्ह को हम विभक्ति कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे विभक्ति से का प्रयोग हुआ है, तो अपादान के साथ विभक्ति से का प्रयोग करते हैं। अपादान के साथ जो विभक्ति से लगती है उसका प्रयोग हम अलग होने के परिपेक्ष में करते हैं। कब करते हैं? अलग होने के परिपेक्ष में करते हैं। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। लगातार यहां परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पापी में कौन सा विशेषण है? बताइए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है,
पापी में कौन सा विशेषण है, पापी में कौन सा विशेषण है। मैं इस प्रश्न को आपको होमवर्क के तौर पर, ये तो है क्लास वर्क और ये आपका रहा होमवर्क, और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि संख्यावाचक विशेषण है कि सार्वनामिक है कि गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है। इस प्रश्न का उत्तर देने वाले 5 विद्यार्थियों का नाम हम अपने अगले वीडियो में लेंगे और उन्हें हम 5 लोगों का नाम लेंगे और बाकी विद्यार्थियों के सामने हम बताएंगे कि ये हमारे आज की क्लास के हीरो रहे। आपके सामने ये प्रश्न है और आपको यह भी बताना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न नोट कर लीजिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी भेद बनाना है आपको इनके कुल मिलाकर के, कितने भेद होते हैं और यहां पर बताना है कि पापी में कौन सा विशेषण है। आपको यह बताना है कि पापी में कौन सा विशेषण है और आपको यह बताना है कि इन 5 में, इन 4 में से इसका उत्तर क्या सही है, और आपको यह भी बताना है कि विशेषण के भेद कितने हैं, पापी में कौन सा विशेषण है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखा करिए दोस्तों कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में हम आपका कमेंट पढ़ते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब भी देते हैं, तो कोशिश करिए कि आपको जो समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको समझ पाए और आप हमें समझ पाए। अगर क्लास आपको अच्छा लगती है, हमारे द्वारा की गई मेहनत से आपको मजा आता है, हमारे द्वारा मेहनत का फल आपको मिल रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हम आपके साथ मेहनत करके सफलता को जल्दी स्पर्श करेंगे। आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मेरे भाई।